आना चाहिए था क्या? क्यों नहीं, शांत जगह है, यहाँ हमें कोई परेशान भी नहीं करेगा। इसी बात की तो फिक्र है मुझे। बीच की ये जगह बहुत अच्छी है गर्मियाँ बिताने के लिए, लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। क्या फर्क पड़ता है, चलो ना मजा करते हैं। सुनिए मिस्टर चेयरमैन सर, मैं लिंकन ग्रांट। ओह, आप मेरे लिए कुछ अच्छी न्यूज लेकर क्या है डॉक्टर ग्रांट? यस सर, जरूर। स्टेज 2 शुरू होने वाला है, आपने कहा था कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। कुछ दिनों पहले मुझे एक मेमो मिला था, वो भी आप ही किसी आदमी से, कि क्रस्ट के ऊपर बर्फ जमा हुआ है, आप बताएंगे वो सब क्या है? वो एक बहुत ही उतावली साइंटिस्ट है जो मशहूर होना चाहती है। सर हमें एक आइस पॉकेट मिला है जो बिल्कुल ऑयल बेयरिंग जोन के ऊपर है। उसे लगा हुआ कि ये मेजर एनवायरनमेंट के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। जैसे हमने सील तोड़ा उसी वक्त आइस पिघलने लग गई थी। उस पूरे पानी को हम तालाब में डाल रहे हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है, बस पानी ही है। मैं आपके इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूँ डॉक्टर। तो फिर आपको ये जानकर खुशी होगी मिस्टर चेयरमैन कि अभी जो तेल का रिजर्वर हमें मिला है वो सर्वे के दौरान से 3 गुना ज्यादा क्वांटिटी का है। 3 गुना ज्यादा? हाँ बिल्कुल सर। क्या आपको पूरी तरीके से यकीन है कि हमने एनवायरनमेंट को हर तरीके से सेफ रखा है डॉक्टर? जी सर, रखा गया है। तो फिर मुझे ऐसा ही लगता कि हमें इस काम में देरी करनी चाहिए। अब आप इस काम को आगे बढ़ाइए डॉक्टर। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। अच्छा आखिर इस जगह की खासियत क्या है? क्या ये कोई सीक्रेट रिट्रीट जैसा है? मैं बचपन में यहाँ बोटिंग करने आती थी, तब से ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। लगता है यहाँ पर काफी खुदाई की गई है। हाँ, कंपनी वाले इसके मालिक हैं। शायद वो कोई तेल बनाने वाली कंपनी है। तेल की खुदाई चालू है तो लोग कहाँ हैं? अभी वो और आगे खुदाई नहीं कर रहे हैं बेवकूफ, अब वो लोग जा चुके हैं। तो फिर इस जगह पर अब क्या होता है? अगर ड्रिलिंग का काम चालू नहीं है तो इस जगह को पब्लिक के लिए खोल देना चाहिए। सो तो है, अचानक खुदाई बंद कर दी और सारे लोग यहाँ से चले गए, पता नहीं क्यों। ये बहुत बुरा किया उन लोगों ने। तो क्या करें? तुम स्विमिंग करना चाहोगी? यहाँ स्विमिंग पूल है क्या? अरे नहीं बेवकूफ, इस तालाब में। नहीं मुझे नहीं जाना। तुम किसी वजह से डर रही हो क्या? नहीं। अरे हाँ। अरे नहीं। हाँ यार नहीं। वाकई में? ओके, शायद डर लगता होगा। क्यों? मुझे बेवकूफ मत कहना। कोई बात नहीं, वैसे मैं जानती हूँ कि तुम बेवकूफ हो। तुम बहुत ही शरारती हो। अरे यार मजाक करती, वैसे बताओ क्यों? तुम पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि किसी को कुछ बोलोगी नहीं। ठीक है। प्रॉमिस? ओके बाबा, ठीक है प्रॉमिस। ओके। मैं इसलिए तालाब में स्विमिंग करना पसंद नहीं करती क्योंकि उसमें शार्क्स होते हैं। तुम सच कह रही हो? बिल्कुल। तुम तो फिर बेवकूफ की तरह बात कर रही हो। तुम्हें तो वही लगेगा ना। तुम जानती हो ना तालाब में शार्क नहीं हो सकता। मुझे पता था तुम नहीं मानोगी। तुम बहुत ज्यादा हॉरर फिल्में देखती हो। डॉक्टर ग्रांट, डॉक्टर ग्रांट, क्या बात है? हम आपको सेकंड स्टेज पर काम करने की परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन हमारी बातचीत तो पहले हो चुकी है, सुरक्षा के सारे नियमों को मान लिया है। कैसे सुरक्षा? पहले के सैंपल के हिसाब से हमने कभी इतना ड्रिल नहीं किया है। पहले के सैंपल के हिसाब से तो... पहले के सैंपल से कोई नतीजा नहीं निकला है। साइड बी के सैंपल ज्यादा परफेक्ट है। नाउ कम ऑन। अंडरग्राउंड कार्बन हमें मिला था, उसके रीडिंग्स को कंफर्म करने के लिए मुझे एक और दिन चाहिए। तुम्हें एक हफ्ते का वक्त दिया था। कार्बन पूरा बर्फ से भरा हुआ था, क्रस्ट में बस एक छोटा सा बबल्स था और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल नहीं मानती। जब पिघला होगा तो भगवान जाने तालाब में क्या क्या गिरा होगा, फिर किस तरह का बैक्टीरिया होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। तुम इस मैटर को ज्यादा ही बढ़ा रही हो। हमें जो सैंपल मिला था वो 80 मिलियन साल पुराना था। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमें और समय लगेगा। क्या वाकई में हमने जहरीला टॉक्सिक या बैक्टीरिया तालाब में तो नहीं डाल दिया? मैं ये बोर्ड को बता दूंगी। जरूर जाओ, लेकिन मेरी चेयरमैन से बात हो चुकी है। ओह, हद हो गई। जाने दोगी?
गहराई तक, आप बहुत गहराई तक ड्रिलिंग करवा रहे हैं। तुम बहुत फिक्र करती हो, और देखो स्टेज टू तो बस 20 मिनट पहले शुरू हो गया, अभी और कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको मैंने बोला था ना कि आपने बहुत गहराई से ड्रिलिंग करवाया है। ये कैसा धमाका? अरे यार, यहाँ अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं, लेकिन ये एक्सप्लोजन जैसा था। शायद आदिवासी लोग जश्न मना रहे हैं। तुम तब से बकवासी किए जा रही हो। मेरी तो आदत है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। चलो थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं। चलो स्विमिंग करते हैं। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही खराब हो चुका है पता है। देखो यार, घबराने की कोई बात नहीं है। बचपना मत करो। करूंगी तो क्या करोगी? अच्छा बताती हूँ तुम्हें।
अब क्या होगा वो पुलिस? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने उस पुलिस वाले को मार डाला, उसने सीधा उसके मुंह में गन डालकर उसकी खोपड़ी को ही उड़ा दिया। हाँ, चलो इसे उठाते हैं। ये तो बिल्कुल पगला गई है। चुप, नहीं तो वो सुन लेगी। लेकिन देखो, तुम मेरे छोटे भाई हो, चलो इसे उठाते हैं। 62 मिलियन, तुम सोच सकते हो डॉग, मतलब पूरे 62 करोड़। शट अप, चलो मेरी मदद करो। तुम अपने हिस्से का क्या करोगे? जैक, नाव तैयार है? तैयार है। बेवकूफो, तुमने मेरी पूरी पेंटिंग खराब कर दी। मैं तुम्हारे पैसे से काटूंगी। सॉरी मैम। बाब, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये ढीला है लेकिन काम का है। वही उसके लिए ठीक रहेगा। अब जल्दी बोर्ड पे चलो। मेरे बारे में इस तरह की बातें मत करो। मैंने अभी तुम्हें मरने से बचाया है, अब चलो इस पेंटिंग को बोर्ड पर ले चलते हैं। ब्रैब, हमें निकलना होगा। और कोई लफड़ा नहीं, मैं नहीं चाहती कि पुलिस हमारे पीछे आए। हमने कर दिया, हम आजाद हैं, हम निकल आए। हमने पुलिस वालों को काफी अच्छा झांसा दिया। मेरा काम ऐसा ही होता है। किधर जाना है बॉस? एक वीरान आइलैंड है, यहाँ से कुछ दूरी पर। हम लोग वहीं छुपेंगे। ठीक है। वो क्या है? बैठ जाओ। नीचे बैठ जाओ बुद्धू, नहीं तो नाव उलट जाएगी। उस तरफ लो, आइलैंड की तरफ। क्या तुम्हें कुछ नजर आया? कुछ नहीं, शायद वो। कुछ देखा तुमने? हाँ, मैंने भी देखा, पानी में कुछ है। शायद वो डूब गई होगी। वो क्या था? मुझे पता नहीं, जो भी था वो झटका देकर के गई। बकवास बंद करो। वो गया, गया हो। कोई अजीब सी चीज मेरे पैरों से टकरा कर चली गई। क्या हुआ? अरे मैं फंस गया हूँ। हेल्प, अरे कोई मुझे बाहर निकालो। अरे मुझे बचा लो। अरे हेल्प, मुझे बचा लो। स्टॉप, मुझे बचाओ। लो, हम लोग आखिर पहुँच ही गए। ओह माय गॉड, कितना सुंदर जगह। जरा इस जगह को तो देखो। मुझे ऐसा लग रहा है हमें यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। कोई मेरी मदद करेगा प्लीज? माइक, तुम क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने मेरा प्रपोजल पढ़ा होगा। उन्हें तो बस एक मौका चाहिए था बीच पर कुछ दिन बिताने का। मुझे लगता है तुम्हारा प्रपोजल दमदार था। एक मशहूर ऑयल कंपनी का एल्वर आइलैंड पर गैरकानूनी ड्रिलिंग, वैसे हमारे प्रोफेसर को भी पसंद आया। बात है, तुमने तो स्टाइलिश लड़की की तरह किया। मैं जो भी करती हूँ ऐसे ही करती हूँ। हम यहाँ हॉलीडे मनाने नहीं आए हैं, प्लीज हेल्प करो यार। ओह, टेंशन मत लो जिल, हम लोग तो बस नजारा देख रहे हैं। हम बीच पर घूमने नहीं आए हैं। अच्छा चलो, घूमने ही आए हैं, लेकिन एक बात जानते हो, ये मेरे जर्नलिज्म क्लास का प्रोजेक्ट है। अगर मैंने इस ड्रिलिंग को एक्सपोज कर दिया तो मुझे सी न्यूज में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। उसकी जरूरत तुम्हें है, हमें नहीं। सिर्फ 2 ही दिन बिताने आए हैं इस प्राइवेट आइलैंड पर, और सन और बीच को निहारने में 2 दिन खत्म, फिर क्या फायदा बोलो। तो तुम्हें साथ ले आने का क्या मतलब था? वो क्योंकि ना तक तुम लोग मेरे ही कार से आए हो ना, और मेरे क्रेडिट कार्ड से बोट का पेमेंट किया। ओह नहीं तो हम कहीं और जाकर एंजॉय कर सकते थे ना जिल। तुम किस बारे में बात कर रही हो?
इशारा काफी नहीं है? क्या मतलब? मैंने सब सामान ले लिया है, क्या अब हम चलें? ओ हाँ, चलो चलते हैं। हाँ, चलो चलो। आखिर वो बला क्या थी, कुछ बताओगे भी? शार्क जैसा दिख रहा था। मुझे भी कुछ ऐसा लगा। क्या बकते हो, शार्क समुद्र में रहते हैं और ये तालाब है। हाँ, कुछ शार्क फ्रेश वाटर में भी आ जाती हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? बहुत हुआ, अब तुम में से कोई एक पानी में जाकर वो पेंटिंग लेकर आओ। पेंटिंग लेकर आए? बार्ब, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसका मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। देखा नहीं शार्क ने जैक को कैसे खा लिया? मैं अपनी जान खतरे में डालने वाला नहीं, कभी नहीं। जो भी उस पेंटिंग को लेकर आता है उसे जैक के हिस्से में से आधा हिस्सा मिलेगा। मैं जाऊंगा। जेरी मत जाओ। तू मत डर भाई। लेकिन अगर वो शार्क दोबारा आ गई तो? अब तक दूर निकल गई होगी, वैसे भी उसका पेट भरा है। वो 300 फीट की दूरी पर है, जहां तक मेरा अंदाजा है वहां पर, उस किनारे के करीब। तो जैक का भी आधा हिस्सा मेरा। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक और डील करते हैं, मेरे बाद मेरा हिस्सा रिच को जाएगा। लेकिन जैक का आधा हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, वाकई में तुम बहुत ही कमीनी औरत हो। देखो वो रहा शार्क। ओ शिट, पीछे देखो शार्क। चेरी शार्क, जल्दी से बाहर आ जाओ, हमारे पीछे शार्क है। वो कर लेगा, वो वहां से निकल आएगा। शार्क गई। यकीन नहीं होता, वो किनारे तक आ गया था, बच सकता था। बैटरी बर्बाद मत करो। और कितनी दूर जाना है? क्या? ओ, कुछ ही देर में नजर आ जाएगा। वो देखो वहाँ। और कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट शायद। वहाँ तो सिर्फ समुंदर, रेत और सूरज होगा। आह, जन्नत। तुम लोग क्या वाकई में हमारी मदद नहीं करोगे? तुम और तुम्हारा साथी माइक सब कुछ संभाल सकते हो ना? ऊपर से हमें तो कुछ भी पता नहीं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। हम लोग तो बस यूं ही आ गए। हाँ, देख के चलाओ माइक। क्या हम किसी चीज से टकरा है? मैंने तो कुछ नहीं देखा। वो उस तरफ से आया था। ओह माय गॉड, चलो 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 जल्दी जल्दी। क्या है ये? जल्दी माइक, ये तो कोई शार्क है। जल्दी करो, वो क्या था? क्या? अरे अब क्या होगा? ये भगवान, चलो 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 जल्दी यहां से। चलो करो माइक।
कुछ। मुझे पता नहीं। माइक 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 ये रहा माइक। माइक तुम कहाँ हो? माइक वो क्या है? कैमरा। कैमरा तो माइक के पास था। ओह माय गॉड, ये तो माइक का सब खत्म हो चुका है। अब रोकर कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है, संभालो अपने आप को। याद रखना जो मैंने कहा था। सब याद है। पानी से दूर रहना, उस पानी में कुछ है। तुम लोग सब ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी ना? हम लोग तो ठीक है, लेकिन माइक पानी में कुछ था जिसने हमारे फ्रेंड को मार डाला। आई एम सो सॉरी, उस चीज ने मेरी भी दो दोस्तों को मार डाला। तुम्हारे पास बोट है? हमारा बोट तो चट्टान से टकरा गया और अभी तक तो शायद पानी में डूब भी गया होगा। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? ओह माफ करना, मेरा नाम बार्ब है और ये रिच और ये डग। हेलो, मैं क्रिस्टीन हूँ और ये टिया और ये जिल। लेकिन वो क्या था? देखने में तो शार्क जैसा लग रहा था। लेकिन मैंने आज तक तो कभी भी इतनी बड़ी और भद्दी शार्क नहीं देखी है। चलो आग जलाने का इंतजाम करते हैं। ये सब जिल का आइडिया था। यहाँ आकर तेल कंपनी देखना चाहती थी। पता नहीं क्या बुखार चढ़ा था इसको। रिफाइनरी? किसी बहुत ही बड़ी ऑयल कंपनी ने यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाया था। तुम्हारा मतलब और भी लोग हैं इस आइलैंड में? उस और एक लैब कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर ये लोग अपनी गैर कानूनी रिसर्च करते रहते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन तो जरूर होगा। हमारा वाला टूट गया है और यहाँ पे मोबाइल भी नहीं लगता। तुम्हारे पास रेडियो है क्या? गैर कानूनी क्या? एक्चुअली यहाँ पर गैर कानूनी ड्रिलिंग। बस बंद करो जिल, माइक तुम्हारी वजह से मरा है। तुम मुझे दोष दे रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झगड़ा बंद करो, ये वक्त नहीं है झगड़ने का। जिल, उसे जाने दो, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। तुम्हारे बोट का क्या हुआ? उसने हमारे बोट को तोड़ डाला। क्या? वो एक शार्क है, जुरासिक शार्क। हाँ? क्या? रिच? वो एक शार्क है, खूनी शार्क। बेचारा दुखी है, आज सुबह ही उसके भाई की मौत हुई है उस शार्क की वजह से। लेकिन तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे? ए लड़की, अरे ये कैमरा मुझे दो। मैं तो बस यूं ही, ये बहुत जरूरी है, हमें जो कुछ यहाँ हो रहा है उसका सबूत रखना होगा। मानती हूँ मैं, लेकिन मेरे फ्रेंड को फोटो खिंचवाना पसंद नहीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं पहले बता चुकी हूँ। नहीं, तुमने तो नहीं बताया। हम लोग टूरिस्ट हैं, हम लोग घूमने निकले थे तो शार्क ने हमारे नाव को डुबो दिया। कोई हमें ढूंढ निकालेगा ना? हमारे बारे में पता चलेगा ना? किसी न किसी को तो पता चल ही जाएगा कि हम मिसिंग हैं, और वो हमें ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। पहले तुम लोग शार्क के हाथों से तो बच जाओ। रिच, अब बस भी करो, तुम लड़कियों को डरा रहे हो। तुमने भी तो सब झेला है,
कोई भी साइलेंट के करीब जिंदा नहीं पहुंच पाएगा। एक जेरी हमें इस मुसीबत से निकाल सकता था, लेकिन तुमने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। बहुत हुआ रिच, जेरी के साथ जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। जेरी और जैक एक्सीडेंट से मरे हैं। एक्सीडेंट? मेरा कैमरा दोगे प्लीज? मैं तुम लोगों को शूट नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ शार्क का फुटेज चाहिए। कैमरा प्लीज। जल्दी अंधेरा होने वाला है, ऐसा करते हैं कि आज की रात यहीं आग जलाकर बिता लेते हैं, फिर सुबह आइलैंड का मुआयना कर लेते हैं। अगर हमें वो रिसर्च सेंटर मिल गया तो रेस्क्यू सिग्नल दे सकते हैं। इस आग को जलाते रहना होगा, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। लगता है हम लोग जिंदा हैं, है ना? हमें निकल लेना चाहिए गर्मी ज्यादा बढ़ने से पहले। वो रिसर्च सेंटर तो आइलैंड के बिल्कुल पश्चिम दिशा पर है, करीबन 5 घंटे बीच के किनारे से होते हुए। नहीं, मैं पानी के करीब से नहीं जाऊंगा। मैं टिया की बातों से सहमत हूँ, हमें जमीन के रास्ते से ही चलना चाहिए। हम जल्द पहुँच सकते हैं, पर मुझे पता नहीं कि यहाँ और भी जानवर है कि नहीं, शायद वो और भी खतरनाक हो। शार्क से भी ज्यादा खतरनाक? मुझे लगा ये आइलैंड वीरान है, लेकिन ये मशीन चलने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे पता नहीं, चलो हम लोग चले। से कैसे निपटा जाए? फिक्र मत करो, मेरे पास प्लान है। तुम्हारे पास रेडियो है ना? हाँ, तुमने कहा था इसलिए बंद कर दिया। और रिच के पास? उसके पास नहीं है, और ना वो जानता है कि हमारे पास है। बढ़िया, लेकिन उस पेंटिंग का क्या? खरीदार कब तक हमारा इंतजार करेगा? वो लोग हमारे इंतजार करेंगे, कैसे भी करके पेंटिंग हाथ लगना चाहिए, उसके बाद ही इस आइलैंड से निकल सकते हैं। सब ठीक ही होगा, लेकिन उस कैमरे का क्या? मैंने टेप निकाल लिया। कैसे? जब कैमरा मेरे हाथ में था।
माइक के साथ बुरा हुआ? बिल्कुल। तुम उसके लिए बहुत खास थी। वो क्यों? बताती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी छुट्टियाँ छोड़कर कैमरा उठाने तुम्हारे साथ यहाँ आया था? मुझे लगा वो तुम्हारी वजह से आया। मेरे लिए? बिल्कुल नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम उतनी भी तो नादान नहीं हो। तुम मजाक कर रही हो। एक दूसरे को कब से जानते थे? क्लास टू से। और कितने दूर चलना है? शायद इस चढ़ाई के पीछे ही होगा। सुनो जिल, अगर मुझे कुछ हो गया तो? तुम फिर शुरू हो गई। हमें कुछ नहीं होगा। तो माइक के साथ कैसे हुआ? यार मौत बताकर नहीं आती। हाँ तुमने सही कहा, माइक का मेरी ओर झुकाव था और मुझे ये पता था, लेकिन मैं कोई बॉयफ्रेंड का बखेड़ा नहीं पालना चाहती थी। इस वक्त नहीं तो फिर कब? अगर हमें कुछ हो गया तो? कुछ बुरा नहीं होगा हमारे साथ। और अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज मेरे ठिया का ख्याल रखना तुम, वो मेरी एक ही बहन है। ठीक है। बच्चों जैसी हरकत करती है। कोई है, हमारी मदद करो। कोई है? कैसी जगह है ये? हेलो हेलो हेलो। मुझे इसी का शक था, बहुत ही गलत हुआ यहाँ। फिलहाल तुम अपने मुद्दे को अपने पास ही रखो, इसी से हम इस आइलैंड से निकल सकते हैं। समझती हूँ, लेकिन हाँ। उधर देखते हैं। पार्क, अब क्या करें? जाकर देखो कि कोई है कि नहीं। कोशिश करो रेडियो ढूंढने का। अगर न्यूज की वजह से लोगों ने हमें पहचान लिया तो? उस वक्त हम लोग मास्क पहने हुए थे, इसलिए सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ प्लान को फॉलो करो। हम लोग अलग अलग ढूंढते हैं। तुम और रिच रेडियो ढूंढ निकालो। ठीक है, और रिच। ये देखो टिया, मैंने कहा था ना छोटी बच्ची जैसी है। आराम से, आप ठीक तो है ना? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, पानी के नजदीक मत जाना तुम लोग। वो क्या है? बहुत डीप ड्रिलिंग कर दी। एक ऐसे बहशी को जगा दिया जिसको दुनिया ने 200 मिलियन साल पहले देखा था। ये कैसे मुमकिन है? संभालो अपने आप को। ये सब बकवास है, मैं नहीं मानती। देखो तुम जरा चुप रहोगी? क्या हो रहा है? मुझे पता था तुम लोगों ने कुछ छुपाया है। कुछ भी हो पहले इनकी मदद करो। थैंक यू। हमें एक बोट या प्लेन चाहिए, कुछ ऐसा जिससे इस आइलैंड से बाहर जा सके। कुछ भी नहीं बचा, उस शार्क ने खत्म कर दिया सब। क्या मतलब है कि उसने सब खत्म कर दिया? उसने बाहर निकलने के सारे जरिए काट दिए। यह आइलैंड छोड़ के वो हमें नहीं जाने देगा। बकवास मत कर, वो सिर्फ एक मछली है। नहीं, वो मामूली नहीं है। और बहस नहीं, अब तुम दोनों इनको लेकर आओ हमारे साथ। कहाँ ले जाओगे इन्हें? जब तुम्हारे उस शार्क ने हमारे नाव को उलट दिया था तो हमारी कीमती चीज डूब गई। अब तुम जाकर उसे वापस लाओगे। नहीं, हम लोग पानी में नहीं जाएंगे। तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। अब जब ये सब तुम्हारी गलती है तो तुम ही तैर कर उसे लेकर। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जाओ। बेहतर होगा मुझे गोली मार दो। अगर उस पानी में गया तो वैसे ही मैं मर जाऊंगा। अगर तुम नहीं गए तो ये गए। नहीं, नहीं, नहीं,
छोड़ दो उस बच्ची को। अब तुम तय करोगे कि ये अपना अगला जन्मदिन मनाएगी या नहीं। ओके ओके, मैं तैयार हूँ। तो फिर जाओ ना। सुनो डॉक्टर, खून से लथपथ कोट मत उतारना, शार्क को इसमें भी मजा आएगा। वो 300 फीट की दूरी पर है, अच्छे से देख लेना। काम बन गया, शार्क शिकार में बिजी है, कोई जाकर पेंटिंग लेकर आओ। अब कौन जाएगा? बेवकूफों, लड़कियां जंगल में भाग गई हैं। जाओ जाकर ढूंढो। अब कहां जाएंगे? वापस उसी बिल्डिंग में, शायद हमें वहां कोई हेल्प मिल जाए। वो देखो, वो इधर आ रहे हैं। भागो भागो भागो, उनको शूट मत करो, वो हमें जिंदा चाहिए। मैंने गोली नहीं चलाई। क्या रिच, तुम मुझे सुन रहे हो? उनको गोली मत मारो, वो हमें जिंदा चाहिए। भूल जाओ, हमें उन लड़कियों को शार्क का भोजन बनाना है ताकि हम जिंदा रह सकें। रिच, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, मैं मजबूर हूँ। बढ़िया प्लान है। हाँ, अब बोलो आगे क्या करना है? सोचते हैं, अब चलो यहाँ से। रुको गन। रिच, पागलपन मत करो, वो हमें जिंदा चाहिए। उनको शिकार बनाएंगे और पेंटिंग हासिल करेंगे। वो शार्क हमें यहाँ से कभी नहीं जाने देगी। मुझ पर यकीन करो रिच, मुझे दुख है तुम्हारे भाई का, लेकिन सिर्फ वो एक मछली है। क्या हो रहा है? मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें मार डालेगी। हाँ रिच, मिल गया, लड़कियां भाग गई, लेकिन मुझे पता है वो कहाँ गई हैं। हम पकड़ लेंगे, तुम मेरी बात मानोगे? लेकिन लेकिन क्या तुम मेरा साथ दोगे ना? हाँ दूंगा। बढ़िया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं उस औरत के साथ अकेले नहीं रहना चाहता। दोबारा ऐसा मत करना। सुनो खूबसूरत लड़कियों, जो हम कह रहे हैं वही करो।
हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा। अभी अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन उस पेंटिंग का क्या होगा? मुझे उसी की फिक्र है। अगर पेंटिंग नहीं मिली तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बोलो लड़कियों, दोबारा मुझे परेशान करोगी? कैसी औरत हो तुम, कमीनी। इनको बांध दो, तब तक हम नींद ले लेते हैं। कल का दिन बहुत ही बिजी होगा। अब मेरी बारी है, तुम जाकर थोड़ा सो लो। यस मैम। मुझे पता है तुम जगी हुई हो, तुम्हारी सांसों की हरकतों से पता चला। एक औरत होने के नाते बोल रही हो तो थैंक यू। मैं इतनी आसानी से थैंक्स नहीं बोलती। तुम मेरे कहने का मतलब समझी? तो तुम समझा दो। वैसे तुमने क्या चुराया? एक पेंटिंग। मजाक कर रही हो क्या? मुझे मजाक पसंद नहीं। कोपले की पेंटिंग है। आज की मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है। मेरे लिए पेंटिंग घर सजाने की चीज है। जॉन सिंगलटन कोपले एक अमेरिकन पेंटर था, बोस्टन का रहने वाला। उसकी मौत हुई करीब 300 साल पहले। फिर तो बहुत कीमती होगी। उतना मैंने जितना तुम समझ रही हो, लेकिन खरीदार मालदार है। लेकिन तुमने चुराया कैसे? सब मेरे दिमाग का खेल है। पुलिस को म्यूजियम के पीछे वाले बैंक डकैती में उलझा दिया, और जैसे ही पुलिस वाले उधर बिजी हो गए, हम लोग म्यूजियम के सिक्योरिटी वाले बनकर म्यूजियम की सुरक्षा करने लगे। और जब पुलिस वाले और भी बिजी हो गए, हमने मौका देकर पेंटिंग गायब कर दी। अरे वाह, पर लगता है तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो पाया। नहीं, सिग्नल तोड़ने की वजह से एक ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, और उसे बचने के चक्कर में हम उलझ गए। ऐसे में हमारा सारा प्लान बिगड़ गया। जैसे तैसे करके एक बोट तक पहुंचे और यहाँ के फंस गए। लेकिन उस पेंटिंग की खासियत क्या है? खासियत है ना? क्या? पेंटिंग का नाम है कोपलेस वॉटसन एंड द शार्क, एक फिक्शन जो पहले शार्क अटैक पर बनाई गई। मुझे पता है तुम्हारी पेंटिंग कैसे मिलेगी। बताओ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ बचा है सौदा करने के लिए। यहीं पर तो तुम गलत हो। कुछ ऐसी बात है तुम नहीं जानती। क्या जानती हो तुम? मुझे पता है कि तुम पेंटिंग को लेकर बहुत परेशान हो, और जब रिसर्च सेंटर से कोई संपर्क नहीं होगा तो कोई ना कोई यहाँ आ ही जाएगा। और मुझे पता है कि शार्क्स किसे डरते हैं, चाहे वो ये वाले की तरह ही क्यों ना हो। किससे भागते हैं वो? डायनामाइट से वो भागते हैं। डायनामाइट? ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन है कहाँ? अब बताओ ये मेरा डील कैसा है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर तुम शार्क को भगा सकती हो तो डील फिक्स समझो। बांध कर रखा हुआ है ना, नहीं तो तुमसे हाथ जरूर मिलाती। 3 घंटे में सुबह होने वाली है।
हमारे बीच में जो भी डील हुआ है उस पर अमल करना शुरू कर दो। तुमने जैसे ही कहा कि इस आइलैंड पर डायनामाइट मौजूद है, मेरे लिए कतई मुश्किल नहीं रहा कि वो कहाँ मिलेगा। जब डायनामाइट के बारे में बता दिया है तो अब तो जाने दोगी ना? तुम बहुत ही भोली हो लड़की, मुझे अच्छा लगा। अब इसे उठाओ। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? फंस गए हम, चलो। ओके लड़कियों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम लोग मेरी बात मानने से इनकार करती हो, जैसे कि मैंने समझाया, तो ये जो मिस्टर डग है ना, वो अपनी गन निकालेंगे और तुम लोगों का भेजा उड़ा देंगे। और कोई सवाल नहीं पूछना? गुड। हमारा दुश्मन नजर आया क्या? वो देखो। रिच, काम पे लगो। वो आ रहा है। लड़कियों, अब तुम्हारी बारी। क्या? नहीं 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 नहीं, हम लोग हरगिज इस पानी में नहीं जाने वाले। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। शार्क से बचने के लिए इन्हें हमें जिंदा रखना ही होगा। नहीं नहीं, हम उस पानी में नहीं जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं पूरे समय तुम्हारे साथ रहूंगी। एक्सप्लोशन की वजह से शार्क करीब नहीं आएगी। हम वो पेंटिंग लाकर पानी से बाहर निकल जाएंगे और फिर ये लोग हमें छोड़ देंगे। बिल्कुल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने क्रिस्टिन से वादा किया है। कैसा वादा? ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन फिर भी हमें जीना पड़ता है। आओ चलिए। समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, 1, 2, 3 बगैर काम के वापस मत आना। तुम रुक क्यों गई? ओह, और कोई रास्ता नहीं है, ये नीचे अटक गया है, हम इसे नहीं उठा सकते। और कोशिश करो। कितना कोशिश करें? पहले शार्क से पीछा छुड़ाओ। शार्क चला गया, वापस काम पर लग जाओ। हे भगवान, ये लोग तो हमें मार ही डालेंगे। अगर शार्क ने पहले नहीं मारा तो
अब हम लोग क्या करेंगे? मैं वही सोच रही हूँ। रिच, उसके पास डायनामाइट और गन है, उसको पता लिया तो हम भाग सकते हैं। क्या? वक्त बर्बाद मत करो लड़कियों। आपस में क्या बातें कर रही हो? दोबारा पानी में वापस जाओ। हमें जरा जाओ, वक्त तो दो। जाओ, हम कोशिश तो कर रहे हैं। मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वो देखो, वो रहा। जिल, मैं ठीक हूँ, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। गन नीचे फेंको। गन को नीचे फेंको लड़की। पहले तुम। जग। जग। हाँ, बोलो। ध्यान कहाँ है? ओ, रिच। जग, मैं चाहती हूँ कि तुम उधर जाओ और उस लड़की से गन लेकर आओ। उसने अगर शूट कर दिया तो मैं उसे शूट कर दूंगी। ठीक है। सुनो लड़कियों, मैं उधर आ रहा हूँ। बच्चे गन से नहीं खेलते। भी अनजाने में गोली लग सकती है। पीछे देखो। क्या? टिया, टिया, ये तुमने क्या किया? तुम पागल हो गई हो क्या? और कोई उपाय नहीं था। तुम बेवकूफ हो लड़की। तुमने सारे बुलेट्स उस मछली पे बर्बाद कर दिए। अब बेवकूफी छोड़ो, दोबारा उस पानी में जाओ और मेरी पेंटिंग मुझे ला कर दो। बिल्कुल गलत जवाब मत दो। तुम दोनों लड़कियां अभी और इसी वक्त दोबारा पानी में जाओगी और मेरी पेंटिंग मुझे ला कर दोगी। नहीं गए तो क्या मार डालोगी? हमें क्या मोहरा समझ रखा है तुमने? हरगिज नहीं जाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मारना होगा। किसे? शार्क को मारना होगा। लेकिन क्यों? अगर हम आइलैंड पर रहेंगे तो वो शार्क हम तक नहीं आ सकता। वो एक जानवर हो सकता है लेकिन बहुत ही होशियार है। कभी न कभी तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ और शिकार नहीं है और वो इस जगह से निकल गया तो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो टिया। नहीं, क्या होगा अगर वो कहीं भीड़ भाड़ वाले बीच पे पहुँच गया तो? लेकिन इसे मारेंगे कैसे? मारना तो पड़ेगा ही। ये तो काम नहीं कर रहा है। पता है, वेटिंग कर ले। मैं जाऊंगी। नहीं, मैं जाऊंगी। जील, मैंने क्रिस्टिन से वादा किया था।
और मेरे शरीर पर खून है, चाहे वो कितनी भी दूर रहे सूंघते हुए आ जाएगा, तब उसका सामना कर लूंगी। मैं चलती हूँ। मैं भी उसका सामना करना चाहती हूँ। दिखा जाएगा। अच्छा बताओ, अब तुम क्या करना चाहती हो? आपका ड्रिंक। थैंक्स। यू आर वेलकम। मुझे समझ में नहीं आया, वाकई में समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारी सौतेली बेटी है। हाँ, वो जो खूबसूरत बला की हसीना वहाँ बैठी है, वो तुम्हारी सौतेली बेटी है। तुम बिना बहुत मजाक करते हो। वो क्या है कि मैंने इसकी माँ को कहीं देखा है। अब ज्यादा मजाक करोगे तो ठोक दूंगा। वैसे तो तुम्हारी बीवी काफी मोटी तगड़ी है और ये इतनी स्लिम ट्रिम लड़की, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की वाकई में तुम्हारी बीवी की बेटी है यार। देखो मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है, किसी दिन अपनी बीवी से ही पूछ लूंगा। ठीक है,
दिला।